देखिए एग्जाम्पल सिक्स क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल सिक्स में है इन ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, जिसका राइट एंगल क्या है बी है, एंड ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री फिगर में गिवन है यहाँ पर। तो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी, तो हमें यहाँ पर क्या करना है बी सी और ए सी की लेंथ फाइंड करनी है। अगर फिगर को देखते हैं तो एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, जिसका बी जो है राइट एंगल है और ए बी कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और एंगल ए सी बी, ए सी बी ये एंगल 30 डिग्री है। तो हमसे फाइंड करा रहा है बी सी यानी कि ये और ए सी यानी कि ये हमें फाइंड करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन और बिल्कुल सिंपल सा है, आसान भी है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप ये देखते हैं जब भी किसी एक एंगल को कोई एक एंगल गिवन हो हमें और कोई एक साइड गिवन हो, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उस एंगल के अकॉर्डिंग कौन सी साइड गिवन है और कौन सी साइड हमें निकालनी है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं सबसे पहले बी सी के लिए बात करता हूँ, सबसे पहले 4 BC, अगर मैं बी सी के लिए बात करता हूँ तो अगर एंगल 30 की बात कर रहे हैं हम, तो 30 इस लाइन पर बना हुआ है तो बेस क्या हो जाएगा बी सी, तो बेस क्या है इसका बी सी, और परपेंडिकुलर कौन सा है ए बी। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो साइड हमें निकालनी है वो और जो साइड हमें गिवन है वो क्या क्या है। तो अगर हम बी सी की बात करें तो बी सी तो बेस है और ए बी क्या है परपेंडिकुलर है। बी सी क्या है हमारे पास बेस है और ए बी क्या है हमारे पास ए बी परपेंडिकुलर है। तो आप ये देखेंगे कि बेस और परपेंडिकुलर किस फॉर्मूले में आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बेस और परपेंडिकुलर टेन और कोट में आते हैं, तो आपको यहाँ पर किसका यूज़ करना पड़ेगा टेन का यूज़ करना पड़ेगा, और टेन के साथ जो एंगल आप लेंगे वो कितना लेंगे ये 30 डिग्री। टेन के साथ एंगल यहाँ पर 30 डिग्री लेने के बाद अब आप क्या करेंगे टेन का फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम बात करेंगे तो टेन 30 अभी ऐसे ही रख लीजिए आप, और 30 के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ए बी यानी कि 5, और बी सी बेस कितना हो जाएगा बी सी, जो कि हमें फाइंड करना है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 5/BC। तो अगर यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी की 1 से करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू 5√3 से करेंगे तो 5√3 आ जाएगा। तो सबसे पहली बात बी सी हमने निकाल लिया है, 5√3 हमारे पास आ चुका है। तो अब आगे से हमारे पास अगली चीज़ यानी कि ए सी निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ए सी को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अब दो साइड्स आ चुकी हैं। बाकी दूसरा मेथड ये है कि आप अब क्या कर लें, अब आप दोबारा से ये देख सकते हैं कि हमें कौन सी साइड निकालनी है और हमें कौन सी साइड का यूज़ करना है। आप इस साइड को निकालेंगे अगर तो इस साइड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इस साइड का यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है और ये क्या है परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन में आते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी आपको निकालना क्या है 4, ए सी के लिए आप काम कर रहे हैं, जब ए सी के लिए आप काम कर रहे हैं तो ए सी को प्राथमिकता देंगे और ए बी को प्राथमिकता देंगे। तो यानी कि ए सी और ए बी, ए सी क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस और ए बी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस फॉर्मूले में आते हैं साइन में, तो साइन के साथ आप क्या ले लेंगे 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर हम बात करें 30 की वैल्यू कितनी होती है साइन 30 की 1/2, और परपेंडिकुलर कितना है 30 के लिए यानी कि ए बी यानी 5 और हाइपोटेनियस यानी ए सी हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू 2 × 5 = 10 cm। तो ये ए सी हमारे पास यहाँ से निकल, देखिए एग्जाम्पल 7 में हमसे कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, क्यू राइट एंगल पर है, सी फिगर 8.20, ये फिगर हमें यहाँ पे गिवन है, जो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है वो सारी की सारी चीज़ इस फिगर में गिवन है हमें। तो पी क्यू इज इक्वल टू 3 cm एंड पी आर इज इक्वल टू 6 cm, डिटरमाइंड एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। तो क्यू पी आर कौन सा होगा, क्यू पी आर यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, दूसरा पी आर क्यू, पी आर क्यू यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात जो है इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए
अब यहाँ पर ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अगर हम सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो एंगल हमें फाइंड करने हैं, चलिए सबसे पहले मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 एंगल QPR। देखिए QPR को कैसे निकालेंगे, जब भी ऐसा हो कि राइट ट्राइंगल में कोई दो साइड्स गिवन हो और कोई एक एंगल हमें फाइंड करना हो, तो आप ये देखें कि उस एंगल के लिए वो जो दो साइड्स हैं वो क्या क्या हैं। यानी कि अगर हम पी एंगल, हमें पी एंगल निकालना है, यानी कि QPR निकालना है, यानी ये पी एंगल निकालना है। और जब इस पी एंगल की बात करेंगे तो जो पी एंगल के लिए जो PQ है वो बेस हो जाएगी, क्योंकि पी इसी इसी साइड पर बना हुआ है, तो PQ क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और जो PR है वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो एंगल हमें फाइंड करना है उसके लिए जो साइड गिवन है हमें वो क्या क्या है। तो ये इसके लिए बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस किसके फॉर्मूले में आता है, कोस के फॉर्मूले में आता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोस लिखेंगे और इस एंगल को लिखेंगे। ये एंगल क्या था, इसको एंगल पी भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर क्यू पी आर करके दे रखा है, तो इसको एंगल क्यू पी आर ही आप लिख लेना। तो कोस के साथ क्यू पी आर लिख लिया हमने। उसके बाद आप ये देखेंगे कि कोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर इस एंगल के लिए बात करते हैं तो कोस एंगल क्यू पी आर तो ऐसे ही रहा हमारे पास। अगर बेस की बात करते हैं तो बेस क्या है हमारे पास, पी क्यू और अपॉन हाइपोटेनस है हमारे पास पी आर। तो कोस एंगल क्यू पी आर हमको फाइंड करना है, और पी क्यू हमारे पास कितना था, 3, और अपॉन पी आर कितना था, 6, तो 1/2। तो कोस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ। अब कोस एंगल क्यू पी आर को तो आप ऐसे ही रखें, ये हाफ को आप कोस 60 लिख सकते हैं, कोस 60 की वैल्यू हाफ होती है। तो कोस से कोस हटा करके आप क्या कर सकते हैं, क्यू पी आर कितना आ जाएगा आपके पास, 60 डिग्री। तो सबसे पहली बात तो हमने जो है ये एंगल क्यू पी आर तो हमारे पास निकल गया, ये एंगल आ गया 60 डिग्री। तो अब यहाँ से इस क्वेश्चन को, यानी कि दूसरा एंगल निकालने के दो मेथड हो जाते हैं। पहला मेथड, ये 90 डिग्री होगा ही, ये आपने निकाल लिया है तो आपको ये पता ही है, 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि अगर हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो जब ये 90, ये प्लस ये इज इक्वल टू 180 करके वहाँ से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड वही है कि अगर आप इस एंगल की बात करेंगे तो इस एंगल के लिए आप ये देखेंगे कौन कौन सी साइड जो जो गिवन है वो क्या क्या है। तो इस आर के लिए ये जो है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो गिवन है ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में आता है। तो आप 4 एंगल PRQ की बात कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, साइन के साथ इस एंगल को लिख लेंगे PRQ को, और फिर यहाँ पर ये देखेंगे फॉर्मूला साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब पी परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, यानी कि PQ, और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, PR। अब PQ हमारे पास कितना है, 3, और PR कितना है हमारे पास, 6। तो साइन एंगल PRQ 3 1/2, ये कितना आ गया हमारे पास, साइन एंगल PRQ इज इक्वल टू, इसको हाफ को हम लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। और जब साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं तो दोनों तरफ से साइन हटा करके एंगल PRQ को कितना कर सकते हैं, 30 डिग्री। तो यही है।